हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। होपफुली आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा, है ना? तो मेरे वीडियोस काफ़ी मदद कर रहे होंगे, तो पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़िए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट लेके आना है। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसमें ये दो सर्कल्स है, टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी, है ना? ये एंड ये कॉमन टेंजेंट है, ये पी एन क्यू टचिंग द सर्कल्स एट पी एन क्यू, एंड यू हैव टू प्रूव पी ए क्यू, पी ए क्यू ये एंगल एंड दिस एंगल पी बी क्यू आर सप्लीमेंट्री, मतलब पी ए क्यू प्लस पी बी क्यू 180 डिग्री होगा। तो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? तो अब इसको समझने के लिए आपको थ्योरम्स, जैसे मैंने जो बताया था, जैसे थ्योरम्स ज्योमेट्री में हमेशा थ्योरम आपको पक्के होने चाहिए, थ्योरम का जो पैटर्न है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। यदि आपको थ्योरम का पैटर्न आ गया, उसको अप्लाई करना आ गया, तो हर क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगाएंगे, है ना? टेंजेंट है, तो टेंजेंट का थ्योरम इसमें लगना ही है। तो इसलिए टेंजेंट का थ्योरम लगाने के लिए, तो ये जो कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है, तो इधर का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, ये जो है, ये एंगल इस साइड इक्वल होता है ना? ये बताया था मैंने, द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट इस साइड में। तो आप ध्यान से देखिए, अभी ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, आपको पूरा नहीं देखना। ये टेंजेंट, ये कॉर्ड, अभी ये कॉर्ड इधर एंगल बन रहा है, तो इसके इधर में यानी कि अल्टरनेट, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ए बी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्शन कब करते हैं हम, जब हम थ्योरम को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते विद द गिवन कंडीशन, तो वी कंस्ट्रक्ट समथिंग, वी ज्वाइन सम पॉइंट्स सो दैट वी कैन अप्लाई द थ्योरम्स। सो ए बी इज ज्वाइंड, ए बी हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, अभी थ्योरम लगाइए। तो एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल एंगल ए बी क्यू, ये तो इस रीजन लिखिए, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। या गया जैसे ही मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है? तो हो गया ये पॉइंट। अभी देखिए इस साइड का, अभी ये सर्कल में देखिए, अभी ये सर्कल में यदि आप देखेंगे तो पी, ये क्यू वाला था, अभी इस तरह से बन रहा ये ए, तो इसके साथ कॉर्ड के साथ ये एंगल बन रहा है, टेंजेंट, टेंजेंट एंड कॉर्ड, टेंजेंट एंड कॉर्ड जो बनाता है इस साइड में, देन अल्टरनेट सेगमेंट में आपको ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो पी बी ए, सो कौन सा एंगल है, क्यू पी ए इज इक्वल टू एंगल, क्यू पी ए इज इक्वल टू एंगल पी बी ए, या ए बी पी भी लिख सकते हैं, या पी बी ए भी लिख सकते हैं। तो इसका रीजन सेम होगा, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स। तो आपको ऐसा ऐसा मत कीजिएगा, ये पूरा आपको लिखना है, सेम चीज फिर भी लिखिए। सो अभी दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो पी क्यू ए प्लस क्यू पी ए इज इक्वल टू ए बी क्यू प्लस एंगल ए बी पी, तो पी क्यू ए प्लस क्यू पी ए ये हो जाएगा, देखिए ए बी क्यू ए बी पी ये हो जाएगा पी बी क्यू, ये आ गया। तो ये इक्वेशन वन लिख दीजिए, या इसको वन लिखिए, इसको टू लिखिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर एडिंग
वन एंड टू है ना, ये आ गया थ्री। अच्छा अभी इन ट्राइंगल पी ए क्यू क्या क्या हो जाएगा, पी क्यू ए प्लस क्यू पी ए इज इक्वल सॉरी प्लस पी ए क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये रीजन ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनर ट्राइंगल आपने लिख लिया। अच्छा अभी पी क्यू ए और पी क्यू पी ए क्या है, पी बी क्यू है ये प्लस पी ए क्यू 180 डिग्री फ्रॉम, ये कौन सा है फ्रॉम थ्री। तो इक्वेशन थ्री से देखिए ये इक्वल टू ये है, तो ये दोनों के बदले में हम ये रिप्लेस कर देंगे तो आ गया पी बी क्यू प्लस पी ए क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप थ्योरम लगा के आपको प्रूफ करना है। तो ये थ्योरम मैं फिर से बता देता हूँ, यदि टेंजेंट है, टेंजेंट के साथ कॉर्ड कोई एंगल बनता है इस साइड में है, तो एक कॉर्ड से ही दूसरे सेगमेंट में एंगल बनाइए, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थ्योरम को एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर उसका पैटर्न समझना है और उसको अप्लाई करना है। थैंक यू।